अगर हेल्प हो सकता है इससे तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टूडियो है और जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, इट्स वेरी सूदिंग एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग, स्ट्रेस रिलीवर. एंड सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ये एक हॉबी कम एक आर्ट थेरेपी है जो यहाँ पे, इट्स लाइक अ थेरेपी. लाइक आप खुश हो या आप उदास हो या वट एवर, आई टेल एवरीबडी यहाँ पे कि आपका जो मन करता है, जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, दे कैन कम एंड एक्सप्रेस देमसेल्व. लाइक यू कैन सी ऑल काइंड ऑफ पेंटिंग्स जो यहाँ पे बन रही है. मुझे बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पे आते हैं पेंट करते हैं. एंड इस टाइम पे जब जब नॉर्मली लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उससे स्ट्रेस भी होता है, बड़ा कुछ होता है, आई एम हैप्पी कि लोग वो टाइम निकालते हैं एंड दे कम हियर एंड दे इन्जॉय देमसेल्व्स एंड सिट, मेक न्यू फ्रेंड्स, वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स, बट येस मेक न्यू फ्रेंड्स एंड रिलैक्स वाइल पेंटिंग. सो या आई थिंक ये एक अच्छा. जो पता चला कि ये स्टूडियो साक्षी जी ने खोला है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो देर विल बी समथिंग नॉट ओनली फॉर स्ट्रेस बस्टर बट आई विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल. तो वो दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, नहीं तो घर पे हम क्या करते, टीवी देखते रहते, नेटफ्लिक्स और ये सब लाइक ऑनलाइन सीरीज, हाँ वो भी बीच बीच में देखती हूँ परिवार के साथ बैठकर, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम लर्निंग अ न्यू आर्ट फॉर्म एंड टेक्निकली वेरी ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोफेशनली सीख रही हूँ. और यहाँ पे आके वो एक थेरेपी मिलती है मुझे, लाइक वो कोरोना की जो बातें होती है हर वक्त न्यूज़ में, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो, तो ये वो टाइम होता है जब मैं वो सब भूल जाती हूँ. लाइक आंकड़े क्या कह रहे हैं न्यूज़ में कि इतने लोग पीड़ित हैं, लाइक आई नो आई एम अवेयर ऑफ ऑल दैट एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस दैट हैपन्स दैट हैज़ टू बी टेकन केयर इन कोरोना टाइम्स, बट येस आई वॉन्ट टू टेक माई माइंड ऑफ दैट टॉपिक फॉर अ वाइल एंड दैट्स वाई आई कम हियर.